हेलो फैमिली, तो की हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक है गाइज, ये है आपको कैनन पिग्मा G670 के जो कार्टेज होता है गाइज, मेंटेनेंस कार्टेज जो कि फुल हो चुका है, उसे जो है कैसे चेंज करें, इसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट असलम सोनू, और आप देख रहे हैं टैकअप सोनू, जो कि गाइज मैं प्रिंटर के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग, मोबाइल के रिगार्डिंग में बहुत सारी वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने जो है रिप्लेस करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रिंटर का जो नोटिफिकेशन आ रही है मैं उसे दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बत्ती चल रही है और यहाँ पर आ रहा है द मेंटेनेंस कार्टेज इज़ फुल। उसके बाद है टर्न ऑफ द प्रिंटर एंड रिप्लेस द मेंटेनेंस कार्टेज, सपोर्टेड कोड है 1726। तो ये गाइज मेंटेनेंस कोड है क्या, और अगर मैं ऑनलाइन मंगाऊँ तो इसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए मैं वीडियो में पूरी आगे जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आगे में पिग्मा लिखा हुआ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन सी प्रिंटर है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे G670 670। तो यहाँ पे जो गाइज अब मुझे कैसे पता चलेगा मेंटेनेंस कार्टेज कौन सा मंगवाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। चलिए मैं आपको जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलता हूँ, सिस्टम के स्क्रीन पे चलता हूँ, वहाँ पे मैं चेक कराता हूँ कि सच में ये मेंटेनेंस कार्टेज फुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो मुझे कौन सा मंगवाना चाहिए और कैसे इसे रिप्लेस करते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो है गाइज आपको नॉर्मली विंडोज़ पे जाना है और जो है डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे चले जाना है। और उसके बाद जो है गाइज आपको यहाँ पे प्रिंटर का जो है नाम शो हो रहा होगा, कैनन G600 यहाँ पे शो हो रहा है सीरीज। तो हम लेकिन जो प्रिंटर है 670 सीरीज में है, ये 600 सीरीज में जो है 600 से लेकर 690 सीरीज तक को 600 सीरीज ही बोला जाएगा, 700 के बाद ही 700 सीरीज होगा। तो यहाँ पे जो है इसके जो है राइट हैंड राइट क्लिक कर देना है माउस का, उसके बाद प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। जैसे जाएंगे गाइज उसके बाद जो को ऊपर में बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जनरल सेटिंग, पोर्ट्स, एडवांस, कलर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। तो लास्ट में मेंटेनेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे में मिलेगा व्यू प्रिंटर स्टेटस और अबाउट, तो यहाँ पे व्यू प्रिंटर एंड स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा, था मेंटेनेंस कार्टेज इज फुल, डॉक्यूमेंट नेम, ऑनर, डिस्प्ले, प्रिंट क्यू एंड इंक मॉडल, इजी इंक डिलीवरी। उसके बाद नीचे में अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्टिमेट मेंटेनेंस कार्टेज यूजेस, तो यहाँ पे जो है गाइज एक सैम्पल दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कोड MC/GO2 द मेंटेनेंस कार्टेज इज फुल, यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको जो है कोड नंबर हो गया, आपको ये जो है किसी भी शॉप पे जाके मंगवा लेना है। अदरवाइज जो है गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी जो है अमेजन फ्लिपकार्ट से जो है आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए आप जो है यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, अब मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये है कैसा कार्टेज। तो ये देखिए मैंने जो है मंगवाया है, मैं मार्केट से लिया हूँ क्योंकि हमारे पास जो टाइम नहीं था क्यों ऑर्डर करने का, अगर मैं ऑर्डर करता तो मेरे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते आने में, और मुझे जो कल की संडे है तो मुझे मंडे को जो है फिर जो है यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CMC GO2 C/MC/GO2, तो C का मतलब हो जाता है कैनन एंड MC का मतलब हो जाता है मेंटेनेंस कार्टेज एंड GO2 हो गया आपको कोड। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 में यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये सब चीज़ में सपोर्टेड है, जितने भी आपको देखने को मिल रहा है ये सब प्रिंटर में जो है ये सपोर्ट करेगा। पिग्मा का जितना भी है G21 60 G31 60 G1250 G2260 3260 1420 2420, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप जो है कोई से में भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। और आपको जो है समथिंग 800 to 1000 तक में जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, वैसे मुझे सस्ता ही मिला है क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट होलसेल से मैं लाया हूँ। चलिए मैं इसे आप जो है चेंज करके दिखाता हूँ, आप कैसे चेंज करना है उसका जो है आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आपके पास जो है जो भी अगर मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और तुरंत आप जो है देख पाएंगे। चलिए मैं आप उसे जो है प्रिंटर को यहाँ पे ऑफलाइन ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है उसे क्या करना है अब आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस मैं प्रिंटर का देख लीजिए, प्रिंटर ऐसा है, और उसके बाद बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा, बैक साइड में जो है आपको गाइस बैक साइड में आपको एक खोलने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये बड़ा वाला जो है स्क्रू है, इसे जो आपको जिस तरह से जो है खोल सकते हैं। तो इसे खोल लेना है गाइस, और इसे खोल लेने के बाद आपको क्या करना है,
प्रिंटर को अच्छी तरह से जो है साइड में ले आना है, इसे खोलने में दिक्कत ना हो। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें पुश करना है और इस तरह से जो है साइड से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो है मेंटेनेंस कार्ट इसे कहते हैं, और इसे कुछ इस तरह से जो है निकाल लेते हैं। ओके, ये आपको जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन और सब में जो है मेंटेनेंस कार्ट निकालने में जो है और उसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इप्सन में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स होती है आपको जो है बार बार निकाल करके साफ़ करना। तो इसे जो है आराम से निकाल लेना है, क्योंकि जो है बगल वाले नट वगैरह को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये रहा मेंटेनेंस कार्टेज आपके पास। तो ये मेरा फुल हो चुका है, फुल हो गया है। यहाँ पे आपको चिप भी देखने को मिल जाएगा, इसमें चिप लगा होता है। आप चाहें तो चिप भी जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन चिप चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है इंक जो है डस्ट इंक जो है यहाँ पे फुल हो जाता है, अननेसेसरी इंक। तो इसे जो है आपको साइड करते हैं, और जो मैंने बॉक्स लाया है उसे अनबॉक्स करता हूँ अब। तो ये मैंने पहले ही मार्केट में जो है चेक कर लिया था, मतलब चेक कर लिया, इसका मतलब ये कि इसे खोल करके मैंने देख लिया था। ये यहाँ होलसेल में पैक किया जाता है, वहीं पे पैक होता है, तो हमारे सामने ही पैक हो रहा था। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से इसे निकाल करके फिर उसे कैसे सेट करते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो कर ले। सो गाइस, ये नया वाला है। अगर मैं आपको पुराना वाला दिखाऊँ तो ये जो आपको दिख रहा होगा थर्माकोल है, तो ये जो है आपको वाइट है इसमें। और पुराना वाला की बात करूँ तो पुराना वाला में जो है गाइस बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और इसमें इंक से भर चुका है, इंक देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसे सेट करता हूँ, उसके बाद जो फुल प्रोसेस देखते हैं कैसा काम करता है। तो आपको सेट करने के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, कुछ इस तरह से जो है उठा के आराम से इसमें लगा देना है। ये लगा दिया मैंने, अब इसे टाइट कर देना है, स्क्रू को टाइट करना है। और इसे लगाने के लिए भी जो है कुछ इस तरह से साइड से इसे डालना है, ठीक है गाइस, साइड से इसे डालना है, जिससे कि जो है अब जो है स्क्रू टाइट कर लेना है। ओके, चलिए अब हो गया, प्रिंटर को सेट करते हैं, प्रिंटर को ऑन करके फिर चेक करते हैं। सो गाइस, फिलहाल सिस्टम पे मैं दिखा दूँ जो सेम प्रोसेस को मैंने फॉलो किया था, यहाँ पे अभी जो है ऑफलाइन है। तो अब मैं जो है सिस्टम्स को, प्रिंटर को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखाता है। कॉपी मोड आ चुका है, ओके, फाइनली ये हो चुका है सेट। और जो है आप सिस्टम पे चलते हैं और एस्टिमेट मेंटेनेंस कार्टेज को जो है यूज करते हैं, देखते हैं आप क्या बता रहा है। मेंटेनेंस कार्टेज जो है प्रिंटर इज बिजी दिखा रहा है, तो मतलब लोड ले रहा है। तो इसे फिर से काट करके आपको डिवाइस एंड प्रिंटर्स में चले जाना है, उसके जो है राइट हैंड पे क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज मेंटेनेंस, उसके बाद व्यू प्रिंटर एडजस्टर्स, उसके बाद जो एस्टिमेट, देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल जो है अभी इंक पेटी है, बिल्कुल खाली है इसका मतलब। सो फाइनली जो है ये मेरा अपडेट हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो एक लाइक बनता है गाइस, लाइक कर लेना है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइस। और प्रिंटर लैपटॉप कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन हो मुझे कमेंट जरूर करना, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको हो गया मैं सारी वीडियोज़ वहाँ पर लिंक शेयर करता रहता हूँ।